Hello students, today we are going to learn lesson number 2 of class 8, The Making of Missile Man. Have you heard about the missile man who has put our country on the map of scientific nation in the world? Do you know about the missile man? Who was the missile man? जैसे हमें सबको पता है कि हमारे देश के मिसाइल मैन कौन थे? जी हाँ, APJ अब्दुल कलाम. और इन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही हमारे देश का फर्स्ट मिसाइल बनाया था. यस, ही इज नन अदर देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अबुल पक्की जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम. ये इनका पूरा नाम है. एंड ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ आर इंडिया. He comes from middle class family, but by virtue of his hard work and determination, he rose to the highest office of our country. ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और इनकी बुद्धि और हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के कारण ही ये सबसे ऊँचे अहदे पर, हमारे देश के सबसे ऊँचे अहदे पर जाकर पहुँचे. His father was poor man. From him, Abdul Kalam learned to respect all regions. इनके जो पिता थे वो गरीब इंसान थे और उनसे ही अब्दुल कलाम ने सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करना सीखा था. ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट ऑल्सो द गीता. इन्होंने सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ा बल्कि गीता का भी अध्ययन किया. हिज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फेरिंग पिलग्रिम्स. फेरी एक तरह की छोटी सी नाव होती है जिसमें एक तरह की नाव होती है जिसमें लोगों को नदी पार कराई जाती है. तो इनका काम था कि पिलग्रिम्स, मतलब जो तीर्थयात्री होते हैं, उनको वो धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ उनको यात्रा कराने के लिए, मंदिर के दर्शन कराने के लिए लाना ले जाना किया करते थे. यही उनका बस एकमात्र जीविका का साधन था. बट अ डिवास्टेटिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉय देयर बोट. पर एक बहुत बड़े साइक्लोन ने उनके बोट को डिस्ट्रॉय कर दिया था. एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. और इसके वजह से ही उनकी जो फैमिली का एक मात्र जीवन यापन का जो साधन था, उनकी बोट, वो भी उनसे छीन चुकी थी. अब्दुल कलाम हैड फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन परसुइंग हिज स्टडीज. और अब्दुल कलाम ने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज का सामना किया. इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस, कलाम कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स एंड सोल्ड देम टू अ शॉप. और अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए, इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए, इन्हें जो अब्दुल कलाम है वो टैमरिंड सीड कलेक्ट किया करते थे. टैमरिंड मीन्स इमली, इमली के बीजों को वो कलेक्ट किया करते थे और दुकानों में बेचा करते थे. For this, he was paid a lordly sum of about 6 पैसे 1 आना. और इनके लिए जो ये टैमरिंड सीड कलेक्ट करके बेचते थे, इसके लिए इनको 6 पैसे 1 आना दिया जाता था. He also collected a popular newspaper in Tamil, Dinamani. तमिल का एक न्यूज़पेपर था, पॉपुलर न्यूज़पेपर दिनामानी, जो कि रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ये अपने कज़िन सामुद्दीन के साथ उसे बेचने में हेल्प करते थे. फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी, दो हिज अर्निंग वॉज लिटिल. हालांकि इनका जो कमाई थी, अर्निंग थी, बहुत कम थी. बट ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे क्योंकि that he was able to care of for his family. वो इस बात से खुश थे कि वो अपनी फैमिली की देखभाल करने में सक्षम थे. At school, he was eager to learn about everything. English, mathematics, science and Tamil were his favorite subject. School में ये हर चीज़ों को जानने के बारे में एकदम बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और हर चीज़ को वो सीखना चाहते थे. English, math, science, Tamil, ये सब इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे. ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स, इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी तमिल में भी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो. ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम ऑन बीच, और ये ज़्यादा समय अपना बीच में बिताया करते थे. वेन एवर ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ही ऑल्सो विश्ड टू फ्लाई लाइक इट. वो जब भी किसी पक्षी को उड़ता हुआ देखते थे तो उनका भी मन उसकी तरह उड़ने का किया करता था. और यही उड़ने का जो उनका पैशन था, उन्हें इंस्पायर किया, जिससे कि उन्होंने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उन्होंने बनाया था.
दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, आई हैड कम्प्लीटेड फर्स्ट पेज. नेक्स्ट जो पेज है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी. तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय.